जम्मू शहर में इन दिनों आम लोग परेशान हैं, और वो लोग जो कह सकते हैं कि दशकों से अलग अलग जगहों पर रहकर अपना व्यवसाय कर रहे थे, जिनके घर थे, वो बहुत परेशान हो गए हैं। परेशानी का कारण है इरिगेशन विभाग, जो कि लगातार नोटिसेस फ्लोट कर रहा है अलग अलग, चाहे वो शॉपकीपर्स हों या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हों, कि जो जो प्रॉपर्टीज़ या फिर दुकानें हैं किसी भी तरह की नहरों के किनारे हैं, उन्हें खाली करें। कल हमने आपको खबर दिखाई थी जहाँ पर शक्तिनगर में कुछ लोग खुद जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हटा रहे हैं और जगह खाली कर रहे हैं। लेकिन इसके अगर हम दूसरे तरफ का अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसी भी जगहें हैं जहां पर नहरों के किनारे बड़ी बड़ी मार्केट्स बन गई हैं, और वो मार्केट्स पर अब जो है वो गाज गिरना जो है वो उसको लेकर लोग परेशान हैं कि कभी भी हमारे जो स्ट्रक्चर तोड़ सकते हैं। इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ। इस समय हम सतवारी कैंट में हैं। सतवारी कैंट में यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको कई सारी शॉप्स दिख रही होंगी, इवन कि यहाँ के लोगों को भी जो है नोटिसेस फ्लोट हो गए हैं। मेरे साथ पवन सिंह जी है। सर, कल भी हमने देखा लगातार यही नहीं, बहुत जगह अलग अलग जहाँ पर नहरें हैं वहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोटिसेस दिए हुए हैं। उस समय ये करना जिस समय गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेट लैंड खाली करवा रही है, रोशनी के तहत ज़मीनें वापस ले रही है जो इलीगल थी या फिर घास चराई की, पैरेलली इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अब इस तरह से नोटिस लेकर ज़मीन खाली करा रहा है, आपको लग रहा है एकदम से इतना प्रेशर बिल्ड करना और लोगों को परेशान करना, क्योस इतना मचाने का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, ये जो भी एपिसोड हुआ है ये जल्दबाजी में हुआ है। हर अथॉरिटी को इस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जो भी ये हुआ है इस पर विराम लग चुका है। जहाँ भी हमारी दुकानें या छोटे 5 मरला 10 मरला के लोग, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में हैं या स्टेट लैंड में भी हैं, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से सीधा सीधा निर्देश है कि राहत की सांस है, जल्दी जल्द उनको रेगुलराइज भी किया जाए, एक नीति बनेगी उसके ऊपर। ये जो जल्दबाजी में जो हड़कंप मचा, इसका खेद है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छी पॉलिसी बना के इनको रिहैबिटेट किया जाएगा। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स खुद हटा भी लिए हैं और लगे भी हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे कि हम तो वॉलंटियरली ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन बाकी जगह तो गवर्नमेंट को बेनिफिट देने की बात कर रही है। करेक्ट, जिन्होंने कहीं स्ट्रक्चर हटा लिए हैं वो है स्टेट लैंड। 5-10 मरला में अगर कोई रेजिडेंशियल है तो उसको नहीं छेड़ा जाएगा। अब ये दुकान है, ये तो मरले की भी नहीं होती, 15x18, 10x15, तो इनको भी सरकार की तरफ से राहत है। इनके ऊपर जल्द ही एक हम पॉलिसी बना रहे हैं जिसके तहत इनको राहत मिलेगी। मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे, मुझे आज अरनिया से भी फ़ोन आया, वहाँ भी एक कनाल है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, और मेरा आज ही शाम को वहाँ पर विज़िट है। जम्मू में जितने भी लोग हैं वो निश्चिंत हो जाएं, उन पर किसी प्रकार का कोई पीला पंजा नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि सर, आज अगर आप देखिए, दो तरह की नीति, एक होता है राजनीतिक प्रशासन, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है। आज की डेली एक्सेलसियर आप अगर पढ़ें तो माननीय डिवकॉम साहब ने खुद कहा है कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं और या छोटे मोटे जिनके पास 5-10 मरला है उनको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, तो इस तरह के जो निर्णय जिन अधिकारियों ने लिए हैं, हो सकता है कि इस तरह के क्योस में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है परेशानी से, किसी की जान भी जा सकती थी, तो क्या ऐसे लोगों पर होना कोई हावी नहीं है। किसी एक आध का आपसी तालमेल का अभाव हो सकता है। माननीय एलजी जो प्रशासन है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मनोज सिन्हा साहब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आतंकवाद को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, और ये खासकर जो हमारा व्यापार है, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, इनको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा, ये अपना आराम से काम करें। लेकिन ऐसे अफसरों पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के नोटिस, बिल्कुल जो जिन्होंने ये इस तरह का नोटिस निकाला है, जल्द ही वो सड़क पर आएंगे। आपको आप वेट फॉर मैक्सिमम 1 वीक, इट विल बी ऑन रोड। तो यहाँ पर ये पवन सिंह जी से हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम पूरी मार्केट की दिखाएं, ये कंटोनमेंट एरिया है, दूर तक अगर आपको दुकानें ही दुकानें दिखेंगी, बहुत सारे लोग हैं, इनको भी नोटिसेज आए हुए हैं कि आप जो इरिगेशन की लैंड है वो खाली करें। इस बीच परेशानी का जो सबब है वो सबके लिए समय बना हुआ है, तो लोगों की अब यही उम्मीद है कि सरकार जो है तुरंत ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करने के लिए वो पहल करे और उनको परमिशन दी जाए। इस बीच इरिगेशन विभाग के उन कर्मचारियों के ऊपर भी
क्या गाज गिरेगी जिन्होंने इस तरह का एकदम से नोटिस निकाल करके क्योस मचा दिया और लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए, हंगामा होना शुरू हो गया, लोग जो हैं वो परेशान हो गए और कई लोगों को जो है इससे ये चिंता हो गई कि उनका भविष्य कैसा होगा अगर उनके 40-40, 50-50 साल पुराने जो व्यवसाय हैं इससे भी ज़्यादा पुराने हैं अगर उन्हें जो तोड़ दिया जाएगा तो आखिरकार करेंगे क्या, और इससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड भी हो जाएंगे। तो साफ तौर पर इसको देखते हुए जो इरीगेशन डिपार्टमेंट है अब क्या इनका जो ज़मीनें जो वापस लेने की वो बात कर रहा है उसे फ़िलहाल रोकेगा या ये जारी रहेगा या विभाग तय करेगा, लेकिन फ़िलहाल इस तमाम चीज़ों से लोग यकीनन बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं।